सन 2010 में राजस्थान में स्थित श्री गंगानगर नामक शहर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मैंने 200 वर्ग गज जमीन खरीदी। आज उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन 2010 में यही 1 लाख रुपए मैंने उस जमीन में इन्वेस्ट ना करके अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज उस 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती, 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके हम इंडियंस करोड़पति बन सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों है? क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से बिटकॉइन के पीछे की साइंस को समझा जाए, लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं ये समझने के अलावा क्यों ना ये देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आखिर काम कैसे करती है, यानी कि हाउ क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन कोर्स के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि मनी इक्वल्स टू वैल्यू। अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी तो मैं कंपनी वालों को मनी दूंगा। ये मनी मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसके बदले में मुझे एक वैल्यूएबल चीज मिली, यानी कि ये गाड़ी। इसका यूज करके मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी का सफर ज्यादा तेजी से और ज्यादा कंफर्ट के साथ कवर कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, हम दुनिया में किसी को भी मनी सिर्फ और सिर्फ तब देते हैं जब बदले में हमें कोई वैल्यू मिले। लेकिन आज से करीबन 8000 साल पहले मनी जैसा कुछ था ही नहीं। पुराने जमाने में अगर ए पर्सन के पास एक्स्ट्रा 5 बनानास हैं और इस बी पर्सन के पास एक्स्ट्रा 5 एप्पल्स हैं, तो ये ए पर्सन इस बी पर्सन को 5 बनानास दे देगा और उसकी वैल्यू के बदले में ये बी पर्सन इस ए पर्सन को 5 एप्पल्स दे देगा। तो इस केस में मनी की जगह ऑब्जेक्ट्स का लेन देन हुआ। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। लेकिन इस बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एक बार फिर से सपोज करो कि लेन देन करने के लिए इस ए पर्सन के पास एक बिल्ली है और इस बी पर्सन के पास एक गधा है। अब ये ए पर्सन तो बिल्ली के बदले इस गधे को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि गधे को लगेज कैरी करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन बी पर्सन अपना गधा देके इस बिल्ली का क्या अचार डालेगा? तो ऐसे केस में बार्टर सिस्टम फेल हो गया क्योंकि वैल्यू का एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन फेयर एंड इक्वल एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसी चीज को वैल्यूएबल मानने के लिए लोगों को ये विश्वास होना जरूरी था कि वो चीज बेशक वैल्यूएबल है और फ्यूचर में भी लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक वैल्यूएबल रहेगी। इसलिए बार्टर सिस्टम छोड़ के लोगों ने प्रीशियस मेटल्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जैसे गोल्ड और सिल्वर। अब अगर किसी को लगेज कैरी करने के लिए गधा चाहिए तो वो 10 गोल्ड कॉइन्स देके गधा ले सकता है और अगर किसी को बिल्ली चाहिए तो वो 2 गोल्ड कॉइन्स देके बिल्ली ले सकता है। इन शॉर्ट, जैसे जैसे लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड में ट्रेड करना शुरू किया वैसे वैसे फेयर ट्रेड होने लगा। लेकिन गोल्ड माइनिंग एंड सर्कुलेशन में भी धांधली होने लगी और उसके अलावा गोल्ड को कैरी करना भी कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट था। इसलिए सरकार ने लोगों को सुझाव दिया कि आप अपना गोल्ड सरकार के पास जमा करा सकते हो और उसके बदले में सरकार आपको एक रिसीट देगी। वो रिसीट पूरे देश में ट्रेड के लिए एक्सेप्टेबल होगी, उसको कैरी करना इजी होगा और धांधली भी नहीं होगी। फर्दर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सरकार को एहसास हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ज्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, लेकिन देश में गोल्ड तो काफी लिमिटेड है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड का दी एंड कर दिया और बोला कि लोगों को सरकार पे ट्रस्ट करना होगा और अब करेंसी मार्केट में गवर्नमेंट के प्रॉमिस के दम पे सर्कुलेट होगी। यही कारण है कि आपके, मेरे और इंडिया में सर्कुलेटेड हर करेंसी नोट के ऊपर RBI गवर्नर के साइन होते हैं और उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को XYZ रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इन शॉर्ट, ये करेंसी नोट मुझे RBI गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी और प्रॉमिस पर दिया है और भारत में किसी वैल्यूएबल चीज के बदले अगर मैं इस करेंसी नोट को एज अ मनी ऑफर करूंगा तो सामने वाले बंदे को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे लोग फिजिकल करेंसी से दूर होते गए और डिजिटल करेंसी को अपनाने लगे, यानी कि पेटीएम या गूगल पे का यूज करके मोबाइल से ही पेमेंट करने लगे। क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली कैसे काम करती है उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो क्या होता है। सपोज करो मैं शॉपिंग करने निकला और मुझे इस एक्स पर्सन की शॉप पर ये शूज पसंद आ गए। अब चूंकि ये एक्स पर्सन इन शूज के फॉर्म में मुझे वैल्यू दे रहा है तो मुझे भी इस एक्स पर्सन को वैल्यू के बदले में अपनी जेब से मनी देना पड़ेगा, सपोज कर लो 4,000 रुपए। अब मैं अपने स्मार्टफोन में गूगल पे ओपन करूंगा, इसका QR कोड स्कैन करूंगा, सीक्रेट क्रेडेंशियल्स एंटर करूंगा और फिर फाइनल पेमेंट होने में 1 से 2 सेकंड्स का प्रोसेसिंग गैप आएगा। आप इजीली नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पेमेंट प्रोसेसिंग बाय पार्टनर बैंक लिखा हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग आखिर है क्या। ध्यान से समझो, जैसे ही मैंने इस एक्स पर्सन को 4,000 रुपए देने की कोशिश की तो प्रोसेसिंग के दौरान ये रिक्वेस्ट मेरे बैंक के पास गई। फर्दर ये बैंक चेक करेगा कि पे करने के लिए मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए हैं भी या नहीं। अगर एप्रोप्रिएट बैलेंस हुआ तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये बैंक अपने लेजर में नोट कर लेगा कि मेरे अकाउंट में अब 4,000 रुपए कम हैं और एक्स पर्सन के अकाउंट में अब 4,000 रुपए ज्यादा हैं। ये लेजर और कुछ नहीं
बस बैंक के मेन कंप्यूटर में स्टोर्ड एक शीट है जिसमें बैंक के कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन डेटा यानी कि लेन देन नोट किया जाता है। फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी की दुनिया में यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आपके पास एक करेंसी नोट है तो आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सूंघ सकते हो, सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेट्रा। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स करने पर आपको ये एहसास होता है कि टेक्निकली देखा जाए तो मनी और कुछ नहीं, बस इस लेजर में एक एंट्री है। मैंने जब इस एक्स पर्सन को 4000 रुपए गूगल पे किए तो मुझे इस लेजर को मेंटेन करने वाली अथॉरिटी पर भरोसा है, यानी कि इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि ये बैंक मेरे अकाउंट से 4000 ही माइनस करेगा, उससे ज्यादा 5000 या 6000 माइनस नहीं कर देगा। ऐसे ही इस एक्स पर्सन को भी इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि ये बैंक इसके अकाउंट में पूरे के पूरे 4000 ही प्लस करेगा, उससे कम 3000 या 2000 प्लस नहीं कर देगा। लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। ताकि ये बैंक्स लोगों के साथ फ्रॉड ना कर सकें, इसलिए इन बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए ये एक सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI कह लो। और इस RBI को कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, ओवरऑल देखा जाए तो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इन सेंट्रल अथॉरिटीज को हमने अपने पैसे का 100% कंट्रोल दे रखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने इन सेंट्रल अथॉरिटीज को इतनी ज्यादा पावर दे रखी है कि इनकी मर्जी पड़ी तो 500 और 1000 के करेंसी नोट्स एक चुटकी में बंद कर दिए, इनकी मर्जी पड़ी तो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके मार्केट में इन्फ्लेशन कर दिया, इनकी मर्जी पड़ी तो हमारा ही पैसा नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों में लुटा दिया। इनफैक्ट इन सेंट्रल अथॉरिटीज के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसी सिचुएशन तक आ जाती है कि खुद की मेहनत की कमाई, जो आम इंसान पूरा भरोसा करके इन बैंकों में जमा कराता है, वो जरूरत पड़ने पे खुद ही इन बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल पाता। इस सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम से आम जनता को बचाने के लिए 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सतोशी नाकामोटो ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। ये सतोशी नाकामोटो है कौन, दुनिया में किसी को नहीं पता। ये एक इंडिविजुअल कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स भी हो सकता है। इस पेपर में सतोशी नाकामोटो ने डिटेल में बताया कि आखिर कैसे क्रिप्टो करेंसी का यूज करके हम इन सेंट्रल अथॉरिटीज को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड बना के लोगों को ही उनके खुद के पैसे का डायरेक्ट कंट्रोल दे सकते हैं। जो लोग आज भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बता दूं कि फिलहाल मार्केट में 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन की साइंस को समझेंगे। बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जो कि दुनिया में मोस्ट फेमस और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। ऐसे ही एथेरियम भी एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे ही डोजकॉइन भी, ऐसे ही बाइनेंस भी, ऐसे ही टेथर भी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बिटकॉइन के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने के लिए एक बार फिर हम अपने शूज वाले एग्जांपल पर चलते हैं। इस वीडियो को पब्लिश करते वक्त बिटकॉइन की वैल्यू 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू इन शूज के बराबर है, यानी कि 4000 रुपए, जो कि साल 2013 में थी। आगे ध्यान से समझना। इस एक्स पर्सन ने मुझे शूज दिए और उसके बदले में मैं अपने मोबाइल से इसके मोबाइल में एक बिटकॉइन ट्रांसफर कर दूंगा। अब शूज के लिए किए गए इस ट्रांजैक्शन को किसी न किसी लेजर में नोट तो करना पड़ेगा ना। अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए जोश जोश में हमने सेंट्रल अथॉरिटी को, यानी कि इस बैंक को, बीच में से रिमूव तो कर दिया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लेजर को आखिर मेंटेन करेगा कौन। याद है कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन का पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर का टाइटल अगर आपको फिर से दिखाऊं तो यहां लिखा हुआ है पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पीयर टू पीयर का मतलब ये हुआ कि अब इस लेजर को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं करेगी, बल्कि हर वो इंसान जो बिटकॉइन का लेन देन कर रहा है, जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है, वो इस लेजर को मेंटेन करेगा। सपोज कर लो मेरे और इस एक्स पर्सन के अलावा ये ए बी सी डी ई, यानी कि टोटल 5 लोग और हैं जो बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट हैं। तो ये लेजर जिसमें लिखा हुआ है कि किशोर पेड 1 बिटकॉइन टू एक्स, इस लेजर की कॉपी हर किसी को दे दी जाएगी और हर कोई इस लेजर को मेंटेन करेगा। इन शॉर्ट, जब तक ये लेजर बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता था और सिर्फ उसके मेन कंप्यूटर में ही था, तब तक ये प्राइवेट लेजर था। लेकिन अब चूंकि हर किसी के पास इस लेजर की कॉपी है, तो ये पब्लिक लेजर बन चुका है। फर्दर, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस एक्स पर्सन से 40,000 रुपए की टीवी खरीदूंगा, तो मैं अपने लेजर में नोट कर लूंगा कि किशोर पेड 10 बिटकॉइंस टू एक्स। ऐसे ही एक्स पर्सन भी वेरीफाई करके अपने लेजर में नोट कर लेगा कि किशोर पेड 10 बिटकॉइंस टू एक्स। सिमिलरली ये ए बी सी डी ई पीपल भी वेरीफाई करके अपने अपने लेजर्स में नोट कर लेंगे कि किशोर पेड 10 बिटकॉइंस टू एक्स। लेकिन थोड़ा भी दिमाग लगा के सोचा जाए तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि वेरीफाई करके लेजर में एंट्री करने के लिए इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इस एक्स पर्सन को
और इन ABCDE लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे पास शूज खरीदने के लिए 1 बिटकॉइन और टीवी खरीदने के लिए 10 बिटकॉइंस हैं भी या नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये ABCDE लोग जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा हैं, ये अपने अपने लेजर्स में करेक्ट एंट्री ही करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इस एक्स पर्सन को इस लेजर से छेड़छाड़ करने से कौन रोकेगा। दैट इस एक्स पर्सन की मर्जी होगी तो ये लेजर में एंट्री कर देगा कि किशोर विल पे 100 बिटकॉइंस टू एक्स। ऐसे ही सी भी अपने लेजर में लिख देगा कि किशोर विल पे 200 बिटकॉइंस टू एक्स। इन शॉर्ट, जब फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था तब भी ट्रस्ट पे चल रहा था, हम इस बैंक पे ट्रस्ट कर रहे थे कि ये बैंक हमारे लेजर को एक्यूरेटली मेंटेन करेगा, और डिसेंट्रलाइज करने के बाद भी अब लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये लोग हमारे लेजर को एक्यूरेटली मेंटेन करेंगे। लेकिन सतोशी नाकामोटो का मकसद कुछ और ही था। इस ब्लाइंड ट्रस्ट वाले सिस्टम से बचने के लिए उस पेपर में सतोशी नाकामोटो ने ट्रस्टलेस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम का आइडिया दिया और इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज बताया। याद रखना, ये ब्लॉकचेन वर्ड इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली रिवोल्यूशनरी है और आने वाले 10 से 20 सालों में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी टेक दुनिया को बदल के रख देगी। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए एक बार फिर अपने शूज वाले एग्जांपल पर चलते हैं। इस एक्स पर्सन से मैंने शूज परचेज किए और उसके बदले में मैं इसको 1 बिटकॉइन ट्रांसफर करूंगा। ये जो 1 बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हुआ उसको मैं अपने लेजर में नोट करूंगा और इस बार इस लेजर को ओपनली डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह मैं एक ऑनलाइन ब्लॉक में स्टोर करूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला ये ब्लॉक टोटल 3 सेक्शन से मिलके बनता है। पहले सेक्शन में स्टोर होता है ट्रांजेक्शन डेटा यानी कि ये लेजर। दूसरे सेक्शन में स्टोर होता है हैश। हैश और कुछ नहीं, बस एक टाइप का फिंगरप्रिंट ही है। जैसे हर इंसान का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही हर ब्लॉक का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जिसे हैश बोला जाता है। जैसे ही ये लेजर या डेटा इस ब्लॉक में ऐड हुआ, वैसे ही ये हैश ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तीसरे सेक्शन में स्टोर होगा हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंने शूज के बदले इस एक्स पर्सन को 1 बिटकॉइन दिया। इस ट्रांजेक्शन की इस लेजर में एंट्री करके मैंने ये लेजर इस ब्लॉक में सेव तो कर दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि शूज के बदले एक्स पर्सन को देने के लिए मेरे पास 1 बिटकॉइन था ही। क्या पता नहीं भी हो तो मेरे पास 1 बिटकॉइन है या नहीं, ये पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका ये कि टोटल बैलेंस पता लगाने के लिए पास्ट में किए गए मेरे द्वारा सभी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे, या फिर यूं कह लो कि सभी ब्लॉक्स चेक करने पड़ेंगे। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक्स की चेन बन रही है। यही रीजन है कि बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ऐसे ही केस में जब इस ब्लॉक को वैलिडेट करना हो यानी कि चेक करना हो, तब ये बिटकॉइन माइनर्स काम आते हैं। जैसे गोल्ड लिमिटेड अमाउंट में है और उसे अर्थ से ढूंढ निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, सिमिलरली बिटकॉइन भी लिमिटेड अमाउंट में है और उन्हें जनरेट करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग करनी पड़ती है। बिटकॉइन के वर्किंग मैकेनिज्म के हिसाब से मेरे शूज के ट्रांजेक्शन वाले इस ब्लॉक को वैलिडेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, कुछ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज, ये पजल माइनर्स मैनुअली खुद सॉल्व नहीं करते, बल्कि अपने अपने एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं पजल सॉल्व करने के लिए। इतनी कंप्यूटिंग पावर यूज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आएगा और मशीन की वैल्यू भी ओवर टाइम कम होती जाएगी। इसलिए इन बिटकॉइन माइनर्स को ब्लॉक्स वैलिडेट करने के बदले में इनाम के रूप में कुछ बिटकॉइंस दे दिए जाते हैं। माइनर्स ने जैसे ही मेरा ब्लॉक वैलिडेट किया तो अब मैं इस ब्लॉक को पूरे बिटकॉइन नेटवर्क में बांट सकता हूँ। नोट करना, इस ब्लॉक की कॉपी सिर्फ हमारे पास ही नहीं बल्कि इन बिटकॉइन माइनर्स के पास भी रहेगी, क्योंकि ये भी तो बिटकॉइन नेटवर्क का ही पार्ट हैं। फर्दर फ्यूचर में अगर इस एक्स पर्सन से एक टीवी परचेस करूंगा तो उसके बदले इसे 10 बिटकॉइंस दूंगा। ये ट्रांजेक्शन डेटा मैं एक न्यू लेजर में नोट करूंगा, उसे एक न्यू ब्लॉक में स्टोर करूंगा, फिर ये माइनर्स इस ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बदले इन्हें कुछ बिटकॉइंस मिलेंगे। लास्ट में वैलिडेशन के बाद मैं इस ब्लॉक को अगेन सबके पास फॉरवर्ड कर दूंगा और जो लोग भी बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा हैं वो सब इस ब्लॉक को अपनी अपनी चेन में ऐड कर लेंगे। ऐसे ही अगर डी ने ई को 4 बिटकॉइन भेजे तो डी इस ट्रांजेक्शन डेटा को न्यू लेजर में नोट करेगा, उसे एक न्यू ब्लॉक में स्टोर करेगा, फिर ये माइनर्स उस ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे, फिर लास्ट में हम सब उस ब्लॉक को एक्सेप्ट करके अपनी अपनी चेन में ऐड कर लेंगे। और ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। चलो, एक मेजर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लॉक ओनर्स कभी भी ब्लॉक को एडिट करके उसके लेजर में यानी कि फर्स्ट सेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये सी एक हैकर या चोर टाइप का इंसान है। अब बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा होने के नाते इसके पास पूरा हक है कि ये ब्लॉक को ओपन करके लेजर में चेंजेस कर सकता है। सपोज करो इस टीवी वाले ब्लॉक में ये चेंज करके लिख देता है
कि किशोर विल पे 200 बिटकॉइंस टू सी। इन शॉर्ट ये ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इंग्लिश में बोलूं तो ब्लॉक को टेम्पर कर रहा है। ऐसे ही हर कोई अपने अपने फायदे के लिए ब्लॉक्स को टेम्पर करने लगा तो पूरा का पूरा बिटकॉइन नेटवर्क ही बेकार हो जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस ब्लॉक की हैशिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इस ब्लॉक को टेम्पर करना पॉसिबल है ही नहीं। याद है मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक टोटल 3 सेक्शन से मिलकर बनता है। सबसे पहले सेक्शन में ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर होगा, दूसरे सेक्शन में इस ब्लॉक का हैश स्टोर होगा जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और हर एक ब्लॉक का अपना अपना यूनिक होता है। तीसरे सेक्शन में इससे पिछले वाले ब्लॉक का हैश स्टोर होगा। हैशिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ये जो सेकंड वाले सेक्शन में हैश की वैल्यू है ये फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन पे ही डिपेंड करती है। अगर किसी ने कहीं ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हैश कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और गुड न्यूज ये है कि क्रिप्टोग्राफी की वजह से ये प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल है ही नहीं कि चेंजेस करने के बाद न्यू हैश कौन सा होगा। बिटकॉइन जो कि एक डिजिटल करेंसी है उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज होता है, इसलिए इसे क्रिप्टोकरेंसी भी बोल दिया जाता है। अब जैसे ही सी पर्सन ने इस टीवी वाले ब्लॉक का डेटा चेंज करके किशोर विल पे 200 बिटकॉइंस टू सी लिखा, वैसे ही हैश चेंज हो गया। अब चूंकि इस चेन के नेक्स्ट ब्लॉक के थर्ड सेक्शन में टीवी वाले ब्लॉक का हैश था तो वो भी चेंज हो गया, उससे इस ब्लॉक का हैश चेंज हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉक के थर्ड सेक्शन में पिछले ब्लॉक का हैश था तो वो चेंज हुआ, तो इस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो गया। इन शॉर्ट सी पर्सन की ब्लॉकचेन में इस शूज वाले ब्लॉक के बाद के सभी ब्लॉक्स इनवैलिड हो गए, इसकी पूरी की पूरी चेन ही इनवैलिड हो गई। लेकिन बिटकॉइन सिस्टम को ये पता कैसे चलेगा कि सी पर्सन की चेन गलत है और बाकी सबकी चेन सही है? तो सुनो, बिटकॉइन ऐसे केस में मेजोरिटी को अकाउंटेबल मान के चलता है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ब्लॉकचेन सिमिलर हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ सी पर्सन की ब्लॉकचेन ही डिफरेंट है इसलिए बिटकॉइन नेटवर्क इस सी पर्सन की ब्लॉकचेन को टेम्पर्ड मान के इग्नोर कर देगा। और सी के अलावा ये जो रिमेनिंग बंदे हैं, इन अदर वर्ड्स ये जो रिमेनिंग नोड्स हैं, इनके साथ बिटकॉइन के आगे वाले ट्रांजैक्शन वैसे ही होते रहेंगे जैसे हो रहे थे। गवर्नमेंट क्रिप्टोकरेंसी को बैन क्यों करना चाहती है, ये बात बताने से पहले इस बात को समझो कि बिटकॉइन में आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप लूज करने के लिए तैयार हो। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिटकॉइन मार्केट काफी ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 3D इंडस्ट्री का मार्केट ना ही रिस्की है और ना ही वॉलेटाइल। अपनी 3D स्किल्स में अगर आप कुछ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो करियर सिक्योर होना तय है। जिस क्लैरिटी के साथ मैंने आपको ये बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझाया, उससे भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैंने 3D सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर ये सीखना चाहते हो कि ये 3D एनिमेटेड वीडियोस आखिर बनती कैसे हैं, तो अभी की अभी स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी सीट बुक करो। याद है मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोकरेंसी का सबसे पहला टारगेट है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना। अगर और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जो बैंक्स, RBI और गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, इन सेंट्रल अथॉरिटीज को रिमूव करना। एक तो ये रीजन है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो के खिलाफ है, दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। अगर पैसे के लेन देन को देखने वाला कोई होगा ही नहीं तो भारत में बैठे बैठे हमला करवाने के लिए आतंकवादियों को कोई भी बिटकॉइन भेज सकता है, ड्रग्स के लिए कोई भी बिटकॉइन में पे कर सकता है, और इतने सारे इलीगल काम करने के बाद भी एक्यूज्ड पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करते वक्त आपकी प्राइवेसी भी तो मेंटेन करके रखता है ना। यही द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों करना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वो श्रीगंगानगर वाली जमीन बिकाऊ है, किसी को परचेज करनी हो तो इंस्टा पे मैसेज कर देना। प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन माइनिंग पे डेडिकेटेड 3D एनिमेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।